ब्यूटीफुल मॉम्स एंड किड्स, वेलकम बैक टू मॉम किड्स केयर। मैं हूँ ज्योत्सना और आज मैं बात करने वाली हूँ बच्चों के इम्यूनिटी के बारे में। हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि बच्चे का इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए और वो बच्चा कम बीमार पड़े, तो ओवरऑल बच्चे का इम्यूनिटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप पहली बार ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीइंग अ मॉम, हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा बच्चा का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहे और वो बीमार ना पड़े, लेकिन समहाउ बीमार बच्चे पड़ ही जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि जब इम्यूनिटी वीक हो जाता है तो बच्चे को ज़्यादातर कफ एंड कोल्ड हो जाता है या फिर फीवर आ जाता है, ये सारी चीज़ें बच्चों में हो जाती हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि पहले मैंने अपने वीडियो में बताया है कि कफ एंड कोल्ड की होम रेमेडीज़ आप ट्राई करके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। दूसरी बात है कि हम इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए हमें बच्चों को क्या देना चाहिए उसके बारे में। सबसे पहली बात, बच्चों को विटामिन डी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन डी देने की ज़रूरत है। और विटामिन डी हमें कहाँ से मिलेगा? सनलाइट से हमें बहुत ज़्यादा विटामिन डी मिलता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि एटलीस्ट बच्चों को डेली थोड़ा सा, आधा घंटा ही सही, थोड़ा सा विटामिन डी यानी कि धूप मिले। और दूसरी बात है कि हाइजीन मेंटेन हो। जैसे कि अगर बच्चे हैं तो हमेशा ही जब भी खाना आप बनाएं तो हैंड वॉश करके बनाएं, जब भी बच्चे खाना खाएं तो वो भी हैंड वॉश करके ही खाना खाएं। तो अगर हाइजीन मेंटेन करेंगे, गंदे कपड़े, जैसे बच्चे कपड़े बहुत गंदे करते हैं तो कोशिश करना है कि बच्चे गंदे कपड़े पहन के ना रहें। आप जितना आप हाइजीन मेंटेन करोगे उतना ही बच्चा कम बीमार पड़ेगा और उसका इम्यूनिटी सिस्टम वीक नहीं होगा। बच्चे के इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें उसके खाने पे भी ध्यान देना है। मैंने एक इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बहुत ही सुपर डुपर हेल्दी फूड के बारे में बताया था अपने वीडियो में, उसका मैंने रेसिपी भी शेयर किया था, ड्राई फ्रूट्स पाउडर। तो वो मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी, आप ज़रूर उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये आप दे सकते हैं अपने बच्चों को। आप अपने बच्चों को फ्रूट्स दीजिए, सीजनल फ्रूट्स दीजिए, मिल्क दीजिए, फिर जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वो खिलाइए। तो अगर हम हेल्दी फूड बच्चों को देते हैं और सही टाइम में, सही प्रोपोर्शन में बच्चों को अगर हम हेल्दी फूड दे रहे हैं तो बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा। और चौथी बात, इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए बच्चों का खेलना, आउटडोर गेम्स खेलना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट 24 घंटे में एक बार, एक घंटे या दो घंटे के लिए बच्चों को आउटडोर ले जाइए, यानी कि पार्क होगा या फिर जहाँ बच्चे खेलते हैं वहाँ लेके जाइए। बच्चों को खूब एक्टिविटीज़ करने दीजिए जिससे कि बच्चा जितना एनर्जी को बाहर निकालेगा उतनी उसे भूख लगेगी और वो खाएगा। तो इस तरह से अगर हम ध्यान देते हैं, 3-4 बातों को अगर हम बहुत बारीकी से ध्यान देते हैं तो हमारा बच्चा कभी बीमार नहीं पड़ेगा और उसका इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहेगा। तो होपफुली आज मैंने कुछ मदर्स की क्यूरीज को सॉल्व कर दिया कि वो अपने बच्चे के इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे स्ट्रांग करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के साथ मैं फिर से हाजिर हो जाऊँगी। तब तक लिए अपना ख्याल रखिए, बाय।